अंकिता लोखंडी की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान दस्तक देते ही जा रहे हैं। अभी तक बिग बॉस के घर में वो ससुराल के खिलाफ हुई बातों के बारे में बहुत परेशान थी, सोच रही थी और डर रही थी कि कैसे अब उन्हें ससुराल में जगह मिलेगी, ससुराल वाले लोग उन्हें जगह दे पाएंगे कि नहीं, बिग बॉस से निकलने के बाद क्या तलाक तो नहीं हो जाएगा। ससुराल के लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन अब जो तूफान आया उससे अंकिता का घर टूटते दिख रहा है। जब से विकी बिग बॉस से निकले हैं तब से वो अंकिता पर कम फोकस दे रहे हैं, बाकी पार्टियों में ज्यादा फोकस दे रहे हैं और बाकी कंटेस्टेंट में ज्यादा फोकस दे रहे हैं, स्पेशली सना के साथ। सना संग तीसरी बार होटल में मिलने पहुंचे विकी की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। विकी घर में भी नहीं रुक रहे हैं और कहां रुक रहे हैं वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। पत्नी अंकिता के बिना विकी जितना खुश दिख रहे हैं वो उनकी खुशी वीडियो में देखी जा रही है। उन्हें अंकिता के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा और अब अंकिता के सामने भी विकी अगर किसी से मिलने मिलाने जाएंगे तो अंकिता कैसे रोकेंगी। बिग बॉस के घर में अंकिता विकी को बाकी लड़कियों से बात करने पर रोक टोक लगाती रही और उन्होंने इस वजह से मनारा से भी गंदी लड़ाई की थी, क्योंकि मनारा और विकी की अच्छी दोस्ती हो गई थी जो कि अंकिता को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, और अंकिता ने मनारा को गंदे शब्द भी बोले ताकि वो विकी से दूर रहे। लास्ट एपिसोड में अंकिता को गाइड करने आई अमृता ने यही कहा कि इस घर से निकलने के बाद तुम्हें ससुराल की नाराजगी बहुत परेशान करने वाली है, इसे फेस करने के लिए ना जाने तुम्हें क्या क्या करना होगा। यानी हर कोई जानता है कि अंकिता लोखंडे के ससुराल वाले उनके घर आने के बाद उनकी बेइज्जती का बदला लेंगे। अंकिता ने विकी के जैसे लात मारी और फिर पूरी दुनिया के सामने बिग बॉस के घर में अंकिता की सास ने अंकिता से ये कहा था कि जब तूने मेरे बेटे के लात मारी थी तब तेरे ससुर ने तेरी माँ को कॉल कर कहा था कि अंकिता के पापा को आप ऐसे ही लात मारती थी। सास की इस बात से पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया और लोगों ने सास को खूब ट्रोल भी किया, सास को डेंजर भी बोला, सास को खूब बदनाम होना पड़ा और इसका गुस्सा वो अंकिता पर जरूर निकालेंगी। आज ग्रैंड फिनाले में पता चलेगा कि अंकिता के ससुराल से कौन कौन मिलने आएगा। अगर सास नहीं आई तो समझ जाइए कि अंकिता लोखंडे बिग बॉस के बाद अपने ससुराल नहीं मायके में रहेंगी। और फिर विकी भैया की पार्टियों ने हर किसी को हैरान कर दिया, अंकिता की जीत से ज्यादा वो अपनी पार्टियों में मगन है। विकी लगातार सना के संग पार्टियां कर रहे हैं, अंकिता बिग बॉस के घर में डरी बैठी है तो विकी बाहर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। अंकिता को इस वक्त जीत से ज्यादा अपने रिश्ते बचाने का डर लग रहा है कि कहीं उनका तलाक ना हो जाए। फिनाले में अंकिता विकी का रोमांस केमिस्ट्री दिखाकर बिग बॉस ने क्या दिखाना चाहा? क्या ये आखिरी बार अंकिता विकी का रोमांस है? क्योंकि इसके बाद तो हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। इनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं। पांच कंटेस्टेंट अंकिता, मुनव्वर, फारूकी, अभिषेक, अरुण सब फिनाले तक पहुंचे थे। करण कुंद्रा ने मुनव्वर को अपनी गलतियों पर पछतावा ना करने की सलाह दी। वहीं अमृता ने अंकिता लोखंडे विकी जैन के झगड़ों के बारे में बात किया और उससे पहले एक प्रोमो भी आया जिसमें ये दोनों खूब मस्ती करते दिखाई दिए। बिग बॉस 17 का आखिरी प्रोमो आ चुका है। सबसे पहले इसमें सलमान खान दिखाई देते हैं, उनके साथ साथ भारती, हर्ष से लेकर अब्दुल रोजिक और कई सारे मेहमान स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। सबकी मस्ती भी खूब हो रही है और ये साफ समझ में आ रहा है कि फिर तहलका, अरुण, अभिषेक, ईशा, समर से लेकर मनारा, विकी, अंकिता के डांस परफॉर्मेंस की एक झलक भी देखने को मिलती है। इसके बाद प्रोमो में ऐश्वर्या और नील भट्ट का रोमांटिक डांस भी देखने को मिला। वीडियो के लास्ट में पांचों फाइनलिस्ट की झलक मिलती है डांस करते हुए। मनारा, अंकिता, अभिषेक, मुनव्वर, अरुण आपस में ट्रॉफी के लिए टक्कर लेते दिखाई देते हैं। चारों की आंखों में विनर बनने की ललक देखी गई। प्रोमो के बिल्कुल लास्ट में बिग बॉस 17 की ट्रॉफी की झलक दिखाई देती है और आज रात तय हो जाएगा